मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मजे मजे की वीडियोस आपको मिलती रहें। कालू जी, हम क्यों ना ऐसा करें कि बाकी सब परिंदों को जंगल से भगा दें और फिर हमें खाना ढूंढने में आसानी होगी, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है शीला? भला परिंदे क्यों छोड़ कर जाएंगे ये जंगल? कालू जी, आप मेरे शातिर दिमाग को जानते नहीं हो। देखना मैं सबको कैसे भगा देती हूँ इधर से। अच्छा, वो सब तुम कैसे करोगी शीला? बस तुम देखते जाओ कालू जी, मैं ये सब कैसे करती हूँ। कालू कौवा और शीला कौवी बैठे ऐसे मंसूबे बना रहे थे कि वो जंगल से बाकी सब परिंदे को भगा देंगे और फिर अकेले ही पूरे जंगल पर राज करेंगे और खाना खाएंगे। इतने में शीला कौवी कालू से कहती है, कालू जी, मैं जा रही हूँ कोई चक्कर चलाने, अब तुम घर ही रहना, घर से बाहर नहीं जाना, मैं अभी लौट कर आई। टुनटुनी चिड़िया, तोता और टुनटुन आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। इतने में शीला वहाँ आती है और बोलती है, दोस्तों, आज बादलों का पंछी संदेश लेकर आया था, तुम सब यहाँ नहीं थे। उसने बताया है कि हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है और वो बहुत ज़्यादा तबाही करेगा। तूफान के आने से पहले पहले तुम सब पंछियों को यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, वरना बहुत ही काम ख़राब हो जाएगा, सब यहाँ पर मारे जाएंगे। तुम में से किसी ने कालू को देखा है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ कि वो मुझे मिले और मैं उसे साथ लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। तुम भी तैयारी पकड़ लो और यहाँ से दूर जाने की कोशिश करो, ये ना हो कि तूफान आ जाए और तुम सब उस तूफान के अंदर फंस जाओ। वो सब कहते हैं कि हमने कालू को नहीं देखा है आज, और शीला कभी उनसे बोलती है, अच्छा तो ठीक है, मैं जाऊँ फिर कालू को ढूंढूं, क्योंकि उसको ढूंढ कर हमने ये जंगल छोड़कर चले जाना है। इतना बोलकर शीला कभी वहाँ से चली जाती है और टुनटुन, टुनटुनी चिड़िया और तोता तीनों परेशान हो जाते हैं। इतने में टुनटुन बोलता है, दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस जंगल को छोड़कर हम किधर जाएंगे? टुनटुनी टुनटुन से कहती है, टुनटुन मेरे भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी ज़्यादा अल्लाह की ज़मीन है, हमें भी कहीं ना कहीं और जगह मिल जाएगी और हो सकता है इससे अच्छी जगह मिल जाए, लेकिन हमें तूफ़ान के आने से पहले पहले ये जगह छोड़नी होगी, इसी में हमारी बेहतरी है। अब चलो सब तैयारी पकड़ लो, हम जल्द अज जल्द ये जंगल छोड़ कर दूसरे जंगल की तरफ चले जाएंगे। टुनटुन, टुनटुनी चिड़िया और तोता अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर चल पड़ते हैं और वो मन ही मन में बहुत उदास होते हैं अपने जंगल को छोड़ने में, और उन्हें आगे का भी कुछ पता नहीं होता कि हमें वहाँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। टुनटुनी, तोता और टुनटुन काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतने में टुनटुन को एक गार नज़र आती है और टुनटुन अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों, ये देखो, ये एक गार है, क्या प्रोग्राम है, हम क्या इसमें ही अपना बसेरा लगा लें? वैसे भी इससे अच्छी जगह मिलनी नहीं है, अगर तूफान इधर भी आ गया तो हम इस गार में बच जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया और तोता बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो देख कर चलते हैं कि अंदर से ये कैसी है। फिर वो सब तीनों अंदर जाने का सोचते हैं। टुनटुनी चिड़िया, तोता और टुनटुन जब गार के अंदर आते हैं तो वो अंदर के हालात देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था क्योंकि उस गार में बहुत सादे चावल पड़े हुए थे और वो उन चावलों को देखकर बहुत खुश हो गए थे क्योंकि अब उनको खाने पीने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था क्योंकि अंदर चावल थे और पास ही में एक नदी थी जहाँ से वो जाकर पानी पी सकते थे और गार काफ़ी बड़ी थी, वो वहाँ पर आराम से रह सकते थे और तूफान से भी बचने के लिए उनको काफ़ी अच्छी जगह मैसर हो चुकी थी।
गार के अंदर के हालात देखकर टुन टुन टुनटुनी चिड़िया और तोते से बोलता है, दोस्तों हमारी तो टेंशन दूर हो गई है, अब तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे चावल हैं और थोड़े ही दूर नदी है, यहाँ से खाना खाकर वहाँ जाकर पानी पी आएंगे, और गार भी काफी बड़ी है और हम तूफान से भी बच सकते हैं, इसलिए अब किसी भी बात की तुम दोनों चिंता नहीं करना। टुनटुनी चिड़िया और तोता टुनटुन की बात सुनकर हंसना शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हमारे टुनटुन, अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। वाह शीला वाह, मान गया तुम्हारे दिमाग को, कैसे किया तुमने ये सब, आज तो खाने की तलाश में मुझे ज्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ा, पास ही खाना मिल गया और ना कोई छोटे परिंदों में से नजर आया है, कैसे किया तुमने ये सब, जरा बताओ तो मुझे। बोला तो था मैंने कालू जी कि तुम देखना कैसे भगाती हो सबको, तुम देख लो अब जंगल में कोई भी नहीं है हमारे सिवा, अब सिर्फ और सिर्फ जंगल पर हमारा राज है और जंगल के सारे खाने पर हमारा हक है। अच्छा वो बात तो है, लेकिन बताओ ना तुमने ये सब किया कैसे है शीला। करना क्या था कालू जी, बस छोटे पक्षियों को थोड़ा सा डराया कि जंगल में तूफान आने वाला है, और देखो सब तितर बितर हो गए, जंगल छोड़कर भाग गए। वाह शीला वाह, जवाब नहीं है तुम्हारे दिमाग का, बहुत चलाक दिमाग है तुम्हारा, बहुत जल्दी में तुमने उन सबको भगा दिया है। ऐसे बातें कर रहे थे कालू कौवा और शीला, और वो बहुत खुश हो रहे थे कि अब पूरा जंगल उनके कब्जे में है, और पंछी भी कोई नहीं था वहाँ पर, और जंगल का सारा खाना अब इनके कंट्रोल में था, जब चाहते खाना खा लेते, लेकिन वो बेखबर थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन कालू कौवा और शीला कवि अपने घर में बैठे हुए होते हैं कि इतने में बहुत तूफानी बारिश आ जाती है। बारिश बहुत ही तूफानी होती है और आसमानी बिजली पड़ रही होती है, और कौवे शीला कवि के घर को आसमानी बिजली लगती है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है और उलट जाता है। कालू कौवा और शीला उसके अंदर ही मौजूद होते हैं और वो बहुत चिल्लाते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन उन्होंने जंगल में से सब परिंदों को पहले ही भगा दिया होता है, अब उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता और वो उधर ही पड़े पड़े मर जाते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उसमें वो खुद ही जाकर गिरता है। विम्टो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।